Good morning, guys. गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार गुड मॉर्निंग हो गई है, वापस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं अभी इन दोनों को। अरे यार बिल्ली रास्ता कट गई, बिल्ली रास्ता कट गई, बताओ अभी भी निकल रहे थे तो एक्चुअली यहाँ पे इनको ज्यादा जगह नहीं मिल रही है। उसका कर्मा को वॉक करने के लिए ज्यादा जगह मिल नहीं रही है तो इसलिए हम इनको अंदर लेके जा रहे हैं घुमाने, और ये बिल्ली रास्ता कट करके। आ जा इधर, आ जा, चिट हो जा। उसके घर अपने काम पे लग गया, उसके उसका बाप अपने फोन पे लग गया है। जॉनी आ रही, जॉनी वो हमारा नहीं, पीछे घर था इसका। आई रियली नेस, अभी हो गया इनका टाइम, मतलब मुझे जाना है मेरा काम के लिए, तो अब जा रहे हैं हम लोग घर। इन लोगों का घमागमी पटापटी हो गई है, बहुत खुशी है ऐसा आराम से जब इनको घूमने को मिलता है, अलग ही एक देख रहे हो, अलग ही एक सुकून है अंदर। सुकून से घूम कर पाते हैं, हाँ सुकून से घूम कर पाते हैं। मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला था गौरव को कि गौरव शून्य है, ये देखो यहाँ पे। हाय शून्य, इसके साथ करने नहीं है। मैंने गौरव को एक ही शब्द बोला था, शब्द ये बोला था कि गौरव इन लोगों का हो नहीं रहा, चलो सुबह वहाँ पे लेके चला करते हैं, और मैं सो गई। बट और गौरव इनको कल से लाना शुरू किया है, जो देख के अच्छा लगा। बड़ा ही जिम्मेदार बाप है, बड़ा ही अच्छा बाप है, जो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है कि उनके लिए सुबह सुबह उठ के, चाहे रात भर सोया हो या ना सोया हो, उठ के आ जाता है। कुछ कहना चाहोगे? रात भर उनकी क्यों नहीं सोया मैं वो बताओ नहीं। हाँ क्योंकि मुझे सुबह उठना था। व्हाट अबाउट अदर डेज? कितने बजे सोए थे? रात के 4 बजे। काम कर रहे थे? किसका काम कर रहे थे? मेरा काम कर रहे थे। तो ये घर आएगी नहीं, ये फिर वापिस इन पेंटिंग में ही लग गया है। परफेक्ट नशा चढ़ गया इसको पेंट करने का। अभी जब देखो ना, सारे दिन ये पेंट ही करता रहता है, आधी वो वॉल इसने की है, आधी वापस करने बैठ गया है। मजा आ रहा है ना गौरव? हाँ तुमने मुझे बताया था तुम किस लिए कर रहे हो, पर तुम्हें मजा भी आ रहा है। तुम करो ना, देखो आंखों जब जाता है मजा है, कितना आता है। चश्मा दे रही हूँ मैं, ग्लासेस लगा के करो। बैक टू होम, अभी जाके देखती हूँ दोनों मचाएंगे। तो काम था तो काम कंप्लीट करने गई थी, काफ़ी देर हो गई, अभी 3-4 घंटे हो गए वहीं पे। मीटिंग वाज सपोज टू बी फॉर एन आवर बट गलती से एक्सटेंड हो गई, गलती से नहीं मतलब काम के कारण एक्सटेंड हो गई। सो लेट्स गो क्विकली होम एंड सी उनका क्या रिएक्शन होता है। पार्वती, अच्छा अंदर चलो, अंदर चलो। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। गली का नहीं निकला किसी ने? मारूंगी मैं थप्पड़। मैंने कहा क्या है? ऑस्कर अंदर चलो, अंदर चलो। बाहर भी लेके गए थे ना, लूज है टाइट है। अरे यार घर आते यही यही सुनना होता है ना, और मैं बता रही हूँ कर्मा ही है ये।
दिमाग खराब हो गया, आते ही बताओ यहाँ पे पॉटियाँ साफ करनी पड़ जा रही है। इतना गुस्सा आता है ना, बाहर पॉटी करा के लाए, ये क्या नई आदत सीखे हो पॉटी घर में करने का? हाँ, इट्स नॉट ईजी। जितना लगता है ना लाइफ की डॉग के साथ ना ईजी लाइफ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देर आर डेज आई हेट माई सेल्फ। क्या मतलब था ये? पॉटी कौन किया? इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, पॉटी कौन किया? हाँ, दो दो रूम में पॉटी जाके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पास वाली दुकान पे, मेरा खाना लेट हो गया, मैं ऑर्डर नहीं कर पाई, तो अभी वहाँ जाएंगे। भाई ट्रैफिक देखो, एक मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं होता, और इतनी तेज गाड़ियाँ चलती हैं ना यहाँ, इंसान कैसे क्रॉस करेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी लेने आई हूँ, फिल्टर कॉफ़ी, सुबह से चाय भी नहीं पी रहा आज। एंड ये बैठा हुआ है ऑस्कर वहाँ पे, कितने प्यार से बैठा हुआ है, देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लोग बोलते हैं कि उनके डॉग नहीं बैठते, वेल आप अपने डॉग को बाहर इतना लेके आते हो कि वो आराम से बैठे। तो ये रही मेरी कॉफ़ी, एंड ऑस्कर ने अपनी ट्रीट ले ली है, एंड ज़्यादा नहीं देना है वरना इसकी हो जाएंगे लूज मोशन, और इसको चाहिए और। सो ये रही मेरी मील, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ईट टुडे। इट्स मच बेटर देन द जंक, बट स्टिल नॉट बेटर देन घर का खाना। आज का थोड़ा सा ये दे रही हूँ मैं से, क्योंकि ऐसे भिखारी वाला मुँह बना रहा है, अपना खाना खाते आया नहीं है। जैसे बाहर पूरे जंक खाने होते, जंक खाने होते, सारे जंक खाने होते, जंक खाने होते, जंक है ना, दुनिया भर के जंक खाने के लिए करो उसको। तो अभी इसको ये खिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ये मेरी शक्ल देख रहा है और मुझे इतना गिल्टी फील कर रहा है, बट आई एम मेकिंग श्योर कि कम क्वांटिटी में दे रही हूँ, वरना इसको लूज मोशन हो जाता है ग्रेन। तो हो गया मेरा खाना, ऑस्की लेट्स गो, चलो ऑस्का लेट्स गो। ऑस्का इतना आलसी, गुड बॉय, चलो। तो ये देखो कर गया है। सो हमने ये बिजी चलती हुई रोड को क्रॉस कर लिया, और अब जाएंगे घर पे। एक्चुअली बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गई थी, रात को सो भी गए थे लेट, और इनको थोड़ा रिसर्च करना है। अभी देखती हूँ कर्मा का क्या रिएक्शन होगा। कर्मा ने मुझे पकड़ लिया कि मैं इसके साथ बाहर आई हूँ, तो मैं उसको बाहर लेके आऊँगी, बट अगर उसने नहीं पकड़ा तो फिर उसके बाद मैं नहीं उसे बाहर लेके आऊँगी, वो अपने बाप के पास था तो मेरी गलती नहीं है। भूख लग रही है? इधर इधर आ, इस साइड आ, भूख लग गई उसकी को, अब जाके खाना खाएगा। पहले इसको खाना नहीं था, इसको मेरे साथ बाहर आना था। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ, सो गया है ये, एंड सोते सोते रो रहा है नींद में। अभी बंद कर दिया इसने, मैंने बीच में आवाज़ दे दी, थोड़ा टच कर दिया। एक्चुअली यार दिमाग ख़राब हो गया, अभी ये न्यूज़ ना डेली कुछ नया का नया 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 चीज़ आता रहता है। जैसे गम अभी सुना है कि भाई हरियाणा में ऐसा हो गया है, हरियाणा में कभी मतलब सुना है आपने, मतलब ऐसी प्लेसेस लाइक सिक्किम एंड ऑल, वहाँ कोई ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? ये पहाड़ी इलाकों में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती डॉग के साथ? क्योंकि वहाँ पे दे रिस्पेक्ट देम, एंड वहाँ पे इतने ना हाई एजुकेशन घुसी नहीं है लोगों के घर दिमाग में, कि दे हैव बीन सो मच ब्रेन वॉश्ड नॉट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन लाइफ। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है यार, कुछ ना कुछ नया रूल, कुछ ना कुछ नया रूल। एक काम करो, जहर दे दो, सारे जानवरों को मार दो, और तुम इंसान ही जियो बहन चोत, लाइक सीरियसली। लेकिन What the fuck is happening? मतलब मन तो कर रहा है ना गालियों पे गालियाँ ऐसे देती जाऊँ, इतना आग लग रही है ना, और कोई नहीं बोलना चाहता भाई, कोई नहीं बोलना चाहता, किसी को घंटा फर्क पड़ता है। सो एनीवेज इसके थ्रू मैं एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी, मुझे एक वीडियोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर चाहिए, जिससे वी कैन क्रिएट सच कॉन्टेंट, नहीं सच वीडियोज वी कैन क्रिएट, जहाँ पे वी कैन ट्राई टू एजुकेट पीपल। दिस इज़ नॉट अ पेड थिंग, मैं भी उस चीज़ का कुछ नहीं चार्ज करूँगी, बट मेरे पास ऐसे कुछ वीडियोज़ आइडिया जिन्हें अच्छे वे में अगर हम डायरेक्ट किया जाए
तो हम शायद कुछ चेंजेस ला पाए। तो अगर आप ऐसे कोई वीडियोग्राफर समझते हो, आप कोई ऐसे सिनेमेटोग्राफर जो ये चीज़ करना चाहेगा, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। अभी हमें इतनी अच्छी न्यूज़ मिल गई, PFA ने पोस्ट किया कि ऑल द हरियाणा न्यूज़ आर फेक। अभी इतना अंधेरा हो गया, अभी हमें इसको बाहर लेके जाएंगे। अभी देखती हूँ गौरव का क्या ख्याल है, गौरव जाएगा कि नहीं। आजकल बहुत जल्दी एक्चुअली अंधेरा होने लग गया बेंगलोर में। बट एनीवेज हम लोग बाहर जाएंगे आज। मतलब गुस्से में लाइव सेशन कर दिया मैंने अबाउट क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है, क्या हो रही है ऐसी। बट एनीवेज मैं सारी दुनिया नहीं चेंज कर सकती, बट वन ओपिनियन एट ए टाइम इफ आई कैन चेंज दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील फॉर मी। ऑस्कर खड़े हो? ऑस्कर मेरा फोन कहाँ दबा लिया तूने? देखते हो ऐसे हमेशा इनके पैरों के नीचे से ना फोन वोन निकलते रहते हैं मेरे। नेक्स्ट टाइम पूछूंगी बाहर जाना है ऑस्कर, बाहर जाना। सच्ची में कहाँ जाना है? बाहर सुसु करना है पोती? देखो कोई दौड़ के आएगा, कोई सुन के ना आवाज़, दौड़ के आने वाला है। पता नहीं है, 6-7 बज जाते हैं हमेशा, बट अभी इतनी जल्दी अंधेरा हो गया है। लास्ट टाइम पूछ रही, जाना है ऑस्कर, जाना है? देख रहे हो, दूसरा बंदा भी आ गया, बाहर के नाम से आ गया। वैसे ही पूरे दिन नहीं आता मेरे पास, जल्दी बताओ। गुस्सा देखो जाने। गौरव कहाँ? जाओ गौरव को बुला के ला, जल्दी जाओ। देखो जा रहा है गौरव को बुलाने गया। देख जा, जल्दी बुला के ला। कर्मा जल्दी जा, जाओ गौरव को बुला के ला। गौरव को बुलाने गया। कितना समझते हैं, मेरे को छुतिया बना रहा है। जाओ गौरव को बुलाओ, जाओ गौरव को बुला के आओ। कहाँ है गौरव? जल्दी जाओ, कहाँ है? एनीवेज आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है, एंड थैंक यू कल इतने सारे रिव्यू देने के लिए। और कल मेरे ब्लॉग का स्टार्टिंग तो आपको काफ़ी पसंद ही हो गया, मैं उसको बीप करना भूल गई थी। एंड यार जो है सो है, मतलब क्यों ऐसे डरना और कुछ और प्रिटेंड करना। बट एनीवेज थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग। कमेंट करो, प्यार करते रहो। टाइमिंग का मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ चीज़ें सीखने के लिए। यार मैं बनाते कैसे, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता हर दिन नया क्या करूँ मैं ब्लॉग के लिए। और इज़ इट राइट टू टेल कि हर दिन मैं कुछ नया कर रही हूँ? आई मीन एम आई मिसगाइडिंग यू और एम आई एंटरटेनिंग यू? मतलब थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इस स्टेट के बीच में। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं ब्लॉग्स डेली बेसिस पे, काफ़ी लोगों के देखते होंगे आई एम श्योर। सो डेली व्लॉग लोग प्लान कैसे करते हैं वो बताइए।